नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से हमारे आचार्य जागेंद्र मिश्रा चैनल पर। दोस्तों, 19 मई साल की सबसे बड़ी अमावस्या ज्येष्ठ अमावस्या इस दिन बना भगवान शनिदेव के आशीर्वाद से दिव्य और दुर्लभ महाशिव संयोग काले सर्प योग सनिका सस योग। जी हाँ दोस्तों, 12 राशियों में से 6 राशि होंगी करोड़पति माला माल। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि इस बार जो 19 मई को ज्येष्ठ अमावस्या है, ये इसलिए खास है क्योंकि इस दिन शनि जयंती मनाई जाती है। तो शनि जयंती की वजह से इस अमावस्या को बहुत ही खास महत्व दिया गया है। इस बार की अमावस्या पर भगवान शनिदेव की कृपा से बहुत ही शुभ संयोग में पड़ रही है। दोस्तों, 12 राशियों में से 6 राशि वालों की किस्मत चमकने वाली है, करोड़पति बनने वाली हैं। ये 6 राशि वाले धन से मालामाल होंगे। यूं कहें कि स्वयं विधाता भी करोड़पति बनने से नहीं रोक सकते इन 6 राशि वालों को ज्येष्ठ अमावस्या के दिन। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि भगवान शनिदेव की कृपा से अब 12 राशियों में से 6 राशि वालों की किस्मत चमकेगी। स्वयं भगवान शनिदेव इन 6 राशि वालों के जीवन के सभी दुख दर्द और कष्ट दूर करने वाले हैं और अब इन 6 राशि वालों के जीवन में अपार धन सुख संपत्ति की प्राप्ति होने वाली है। अपार खुशियां ही खुशियां मिलने वाली है। ये 6 राशि वाले करोड़पति बनने वाले हैं। दोस्तों, कौन कौन सी वो 6 राशि खुशनसीब और भाग्यशाली राशियां हैं जो कि 19 मई ज्येष्ठ अमावस्या के दिन करोड़पति बनने वाली हैं, इस वीडियो में हम आपको इन 6 खुशनसीब और भाग्यशाली राशियों के बारे में बताने वाले हैं। इस वीडियो में हम आपको उन 6 खुशनसीब और भाग्यशाली राशियों के बारे में बताएंगे, इसलिए आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरा देखें, वीडियो को बिल्कुल भी मिस ना करें। और जो लोग शनिदेव से सच्चा प्यार करते हैं, सच्चा स्नेह करते हैं, वो भक्त इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें और कमेंट में लिख दें जय शनिदेव। दोस्तों, आपको बता दें कि इस बार 19 मई 2023 शुक्रवार को ज्येष्ठ अमावस्या का महापर्व मनाया जाएगा। शास्त्रों में सभी अमावस्याओं में ज्येष्ठ अमावस्या का विशेष महत्व बताया गया है। इस दिन पवित्र नदियों में स्नान कर जप तप और दान आदि धर्म कार्य किए जाते हैं। ज्येष्ठ अमावस्या के दिन पितरों की आत्मा की शांति के लिए पिंडदान तर्पण और भोजन कराने के लिए बहुत ही शुभ माना गया है। इस दिन शनि जयंती और वट सावित्री व्रत भी रखा जाता है, इसलिए इस दिन भगवान विष्णु, भगवान शनिदेव और भगवान भोलेनाथ की विधि विधान से पूजा अर्चना जरूर करनी चाहिए और धन की देवी माता लक्ष्मी जी की भी विधि विधान से पूजा करें और बरगद के पेड़ की पूजा करने का विधान है। इस दिन दोस्तों आपको बता दें कि ज्येष्ठ अमावस्या के दिन वट सावित्री और शनि जयंती दोनों से इस तिथि का महत्व बढ़ गया है। इस अमावस्या का धार्मिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो खास महत्व है क्योंकि इस दिन पवित्र नदियों में स्नान करने से 7 जन्मों के पाप और पितृदोष से मुक्ति मिल जाती है। अमावस्या तिथि पर व्रत पूजा करने से, पितरों का पिंडदान करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। ज्येष्ठ अमावस्या का महत्व इसलिए भी है क्योंकि इस दिन अगर गंगा नदी में स्नान किया जाए तो सोने पे सुहागा और अगर नहीं जा सकते तो अपने घर पर ही गंगा जल डालकर जरूर नहा लें। दोस्तों, इस दिन काले तिल का दान जरूर करें। शरीर से संबंधित यानी कि जो चीज़ें हैं जैसे काले तिल, काली उड़द जरूर दान करें। इससे भगवान शनिदेव की अपार कृपा प्राप्त होती है क्योंकि ज्येष्ठ अमावस्या के दिन भगवान शनिदेव का जन्म हुआ था, इसलिए अगर इस दिन दान दक्षिणा करें तो भगवान की कृपा बरसती है। दोस्तों, इस बार ज्येष्ठ अमावस्या पर कई दिव्य और दुर्लभ महाशुभ संयोग बन रहे हैं जिसके कारण ये इस बार की ज्येष्ठ अमावस्या बहुत ही खास है। इस बार की यह अमावस्या साल की सबसे बड़ी अमावस्याओं में इसलिए गिनती आती है क्योंकि इस दिन कई सारे दुर्लभ महाशुभ संयोग बन रहे हैं। इस दिन सर्वार्थ सिद्ध योग, शस योग, साथ ही साथ दुर्लभ महाशुभ संयोग, महालक्ष्मी योग और भी कई सारे दुर्लभ राजयोग और धनयोग का निर्माण होने के कारण इस बार की यह ज्येष्ठ अमावस्या बहुत ही खास बन गई है और इसी कारण से कुछ राशियों की भगवान शनिदेव की कृपा से अब लॉटरी लगने वाली है। भगवान शनिदेव की कृपा से इन राशियों के दिन अब चमकने वाले हैं। अब इनके दिन में आएंगे नए नए सवेरे और इनका भाग्य सातवें आसमान पर रहेगा। नहीं सताएगी गरीबी, बन जाएंगे करोड़पति, रातों रात किस्मत चमक जाएगी। इन राशियों का भाग्य देखकर दुनिया जल उठेगी, दुनिया हैरान हो जाएगी क्योंकि भगवान शनिदेव की कृपा इन 6 राशियों पर पड़ने जा रही है और अब ये 6 राशि वाले करोड़पति धन से मालामाल बनने वाले हैं। तो दोस्तों, आइए जान लेते हैं कि आखिर ये भाग्यशाली और खुशनसीब राशि कौन कौन सी है जिनके ऊपर 19 मई
दिन शुक्रवार ज्येष्ठ अमावस्या के दिन भगवान शनिदेव की अपार कृपा बन रही है और जो करोड़पति मालामाल बनने जा रही हैं, तो आइए विस्तार से जान लेते हैं कौन कौन सी राशियां हैं। तो दोस्तों, इस लिस्ट में सबसे पहला नाम जिस राशि का आता है वो है दोस्तों मेष राशि का। मेष राशि की आपको बता दें कि अब आपकी लॉटरी लगेगी, किस्मत चमकेगी, भाग्य का उदय होगा, बेरोजगार जातकों को रोजगार की प्राप्ति होगी, अच्छे दिनों की शुरुआत होगी, शुभ कार्यक्रम कर सकते हैं, धार्मिक अनुष्ठानों का कार्यक्रम करेंगे, कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों से लाभ होगा, प्रत्येक क्षेत्रों से आपको बड़ी सफलता प्राप्त होगी, लगातार आमदनी बढ़ेगी, कुछ ऐसे कार्य बनेंगे जो काफी समय से अधूरे पड़े थे, पेंडिंग कामों को पूरा करेंगे, महत्वपूर्ण सफलता मिलेगी, कार्य क्षेत्र में चली आ रही परेशानियां दूर होगी, इनकम बढ़ेगी, लंबे समय से पेंडिंग कामों को पूरा करेंगे, जो कार्य अभी तक अधूरे थे उन्हें पूरा करने का प्रयास करेंगे, महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त होगी। इसमें आपको लंबी अवधि तक की नौकरी प्राप्त होगी, क्यों ना हो, क्योंकि इसमें भगवान शनिदेव की कृपा प्राप्त होगी। इस ये जो अवस्था है, इस बार की ज्येष्ठ अवस्था बहुत ही शुभ रहेगी आपके लिए। दोस्तों, इस समय आप नए व्यापार की शुरुआत करेंगे, नए व्यापारियों में आपको सबसे आगे रहने का मौका मिलेगा और नई जॉब मिलने की संभावना है। भगवान शनिदेव की कृपा से धन संपत्ति के मामले में बहुत ही आगे रहेंगे, दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की प्राप्त होगी, लगातार आमदनी बढ़ने से मन काफी प्रसन्न रहेगा। इसमें आप कोई नए कार्य की शुरुआत कर सकते हैं, भगवान शनिदेव की आशीर्वाद से अब आप दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की प्राप्त करेंगे, लंबे समय से अगर कोई कार्य अधूरा था तो उस कार्य को पूरा करने का मौका मिलेगा, क्यों ना हो, इसमें आपके द्वारा लिए गए निर्णय बहुत ही सराहनीय रहेंगे, निश्चित तौर पर इसमें जो भी कार्य करेंगे दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की प्राप्त होगी। भगवान शनिदेव की कृपा से इस बार की अवस्था पर आपको दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की प्राप्त होगी, साथ ही साथ लॉटरी सट्टा में भाग अजवाएंगे तो लाभ होगा, नए बिजनेस व्यापार में लाभ होगा। अगली जो राशि आती है भाग्यशाली दूसरी दोस्तों, वो है यहाँ पर कन्या राशि। कन्या राशि का आपको बता दें कि अब आपकी किस्मत बहुत ज़्यादा चमकेगी, किस्मत इतने ज़्यादा चमकेगी कि दुनिया देखती रह जाएगी। बता दें कि इस बार की अवश्य आपके लिए बहुत ही शुभ रहेगी, भगवान शनिदेव की कृपा से आपको विदेश जाने का मौका मिलेगा। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि जो लोग सच्चे भक्त हैं भगवान शनिदेव के, इस वीडियो को एक लाइक अभी के अभी कर दें और इस वीडियो को आप देखने के बाद ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दें। तो दोस्तों बता दें, कन्या राशि को आपके ऊपर भगवान शनिदेव की अपार कृपा बनेगी, धन लक्ष्मी की प्राप्ति होगी, कई बड़े महत्वपूर्ण कार्यों में आपको मौका मिलेगा, जो कार्य अधूरे थे पेंडिंग थे उन्हें पूरा कर सकते हैं, व्यापारी वर्ग के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगा यह समय। अब अगली तीसरी राशि आती है, वो है यहाँ पर तुला राशि। तुला राशि का आपको बता दें कि आपके ऊपर इस बार भगवान शनिदेव इस ज्येष्ठ अवस्था के दिन बहुत मेहरबान रहेंगे, माँ लक्ष्मी कृपा बरसेगी, भगवान विष्णु जी की कृपा बरसेगी, संतान की प्राप्ति के योग बन रहे हैं और विदेश से धन के लाभ होंगे, विदेश से धन के स्रोत नजर आएंगे, कह नहीं सकते एक से ज्यादा धन के स्रोत नजर आएंगे। और इसमें अगर व्यापार में कोई आजमाना चाहते हैं हाथ, तो व्यापार में आप अपना हाथ आजमा सकते हैं। बता दें कि इनकम बढ़ेगी, साथ ही जीवन साथी के माध्यम से धन की प्राप्ति होगी, विदेश से धन का लाभ होता हुआ नजर आएगा, जॉब लगने की संभावना नजर आ रही है। अगर नौकरी की तलाश में है काफी लंबे समय से, अगर काफी समय से भटक रहे थे नौकरी को लेकर, तो निश्चित तौर पे बड़ी जॉब लगने की संभावना है। भगवान शनिदेव की कृपा से निश्चित तौर पर इस बार ज्येष्ठ अमावस्या के दिन आपकी नई जॉब लग सकती है, तो वहीं गुप्त रूप से धन की प्राप्ति हो सकती है, अपार धन की प्राप्ति हो सकती है। बता दें कि आपके द्वारा दिया गया पैसा उधार वो भी वापस मिलेगा और इसमें बैंक से लोन वगैरह मंजूर हो सकते हैं, जिससे आपके कार्य क्षेत्र में आपको जबरदस्त लाभ देखने को मिलेगा। दोस्तों बता दें कि आप इसमें समाज में मान सम्मान प्रतिष्ठा प्राप्त करेंगे, लंबी अवधि तक अगर कोई कार्य नहीं बना तो कार्य बनता हुआ चला जाएगा, दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की प्राप्त होगी, निश्चित तौर पर आपके द्वारा लिए गए निर्णय काफी सराहनीय होंगे और जो भी निर्णय लेंगे, जो भी फैसला करेंगे, वो फैसला आपके लिए बहुत ही ज्यादा मान्य होगा, यानी कि इसमें आपके द्वारा लिया गया निर्णय काफी सराहनीय होगा। दोस्तों अगली चौथी राशि है दोस्तों यहाँ पर बता दें, वो ये है मकर राशि। मकर राशि को अब आपकी किस्मत चमकेगी चांद सितारों की तरह, सूर्य के समान चमकाएंगे शनिदेव आपका भाग्य इस बार ज्येष्ठ अवस्था पर, माता लक्ष्मी जी आपके भाग्य को चमका देंगी, भगवान विष्णु जी कृपा बरसेगी। बता दें कि नई जॉब तो लगेगी, नई जॉब से आपको यानी कि लाभ होगा, साथ ही पद प्रतिष्ठा मान सम्मान की प्राप्ति होगी, धन की प्राप्ति होगी, आकस्मिक धन का लाभ होगा और आप ऑफिस के क्षेत्र में राजनीति ना करें वरना नुकसान हो सकता है। और इसमें आप
अपनों से यानी कि अगर कोई तकरार होती है तो थोड़ी सी दूरी बना के रखें। मित्रों से इसमें थोड़ी सी अगर तकरार है तो दूरी बना के रखें, क्योंकि इसमें आप अगर देते हैं उधार कर्जा या उनके किसी बहकावे में अगर कोई भी निर्णय लेते हैं तो नुकसान और घाटा आपको झेलना पड़ सकता है, इसलिए आपको संभल के चलने की ज़रूरत है। अगली राशि है दोस्तों बता दें जो पाँचवीं, वो है यहाँ पर कुंभ राशि। कुंभ राशि घटकों, अब आपकी किस्मत बहुत ज़्यादा चमकेगी। इसमें बता दें कि ज्येष्ठ अमावस्या के दिन कई महत्वपूर्ण कार्यों में लाभ होगा। कुछ ऐसे कार्य पूरे होंगे जो काफ़ी समय से अधूरे पड़े थे, पेंडिंग कामों को पूरा करेंगे। नई जॉब लग सकती है, नए कार्यों में आपको उपलब्धियां प्राप्त हो सकती है। आपके द्वारा लिए गए निर्णय काफ़ी सराहनीय होंगे। जो कार्य आपका अधूरा था या पेंडिंग था उसे पूरा कर सकते हैं। विशेषकर इसमें आप अपने कार्यों में बड़ी धन संपत्ति का लाभ अर्जित करेंगे। अगर कोई कार्य अधूरा था, पेंडिंग था, तो उसे पूरा करेंगे। कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों से लाभ होगा और इसमें आपकी आवक बढ़ेगी। आय के मामले में काफ़ी लकी रहेंगे। दिन दुगनी और रात चौगुनी तरक्की करेंगे। बता दें कि रातों रात आप इसमें बहुत बड़े आदमी बन सकते हैं। इसमें ज्येष्ठ अमावस्या के दिन आपके लिए काफ़ी शुभ रहेगा। और ये जो छठवीं राशि है यानी कि अंतिम राशि दोस्तों, वो बता दें मीन राशि है। मीन राशि को अब आपकी किस्मत बहुत चमकेगी। भगवान शनिदेव इस बार की ज्येष्ठ अमावस्या पर आप पर अधिक प्रसन्न हो चुके हैं। बता दें कि सरकारी संगठन से लाभ होगा, सरकारी परियोजनाओं से लाभ होगा। और तो और अगर कोई कोर्ट कचहरी में मामला चल रहा था तो वो आपके पक्ष में आता हुआ नजर आएगा। कोर्ट कचहरी में आपको अधिक लाभ होता नजर आएगा। और कोई ऐसा कार्य जो काफ़ी समय से नहीं बन पा रहा था वो कार्य बनेगा। धन संपत्ति के मामले में बहुत लकी रहेंगे। व्यापारियों के लिए काफ़ी खास रहेगा। बता दें कि इसमें मान सम्मान की प्राप्ति होगी, किसी महिला मित्र से सहयोग की प्राप्ति होगी, किसी के द्वारा धन लाभ की प्राप्ति होगी, किसी बड़े निर्णय की ओर आप जा सकते हैं जो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। समाज में मान सम्मान प्रतिष्ठा प्राप्त होगी। तो दोस्तों इस बार ज्येष्ठ अमावस्या पर ये छह राशियों की किस्मत चमक रही है। स्वयं विधाता भी इन्हें करोड़पति और धन से मालामाल बनने से नहीं रोक सकते हैं। तो दोस्तों कमेंट सेक्शन में लिख दें जय शनिदेव, साथ ही वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जो लोग सच्चे भक्त भगवान शनिदेव को, इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। जय शनिदेव।